हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आपने जीरा आलू तो बहुत खाया होगा, जीरा आलू के बहुत लोग शौकीन हैं। तो आज हम बनाएंगे हींग आलू की सब्जी। तो हींग आलू की सब्जी कैसे बनती है, आइए देखते हैं। उसके लिए मुझे कुकर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आलू को छोटा छोटा ही आलू लेंगे, बेबी पोटैटो जिसे बोलते हैं, तो हम बेबी पोटैटो ही लेंगे। उसे हम कुकर में डाल देंगे और हम ये लिए हैं इमली, इमली को भी हम डाल देंगे। और ये मैंने हींग लिया है, आप लोग देख सकते हैं, तो हींग को भी डाल देंगे। हींग वाली आलू की सब्जी बनानी है ना, तो हींग तो जरूरत पड़ेगी ना। और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर हम डाल देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम 4-5 सीटी में पका लेंगे आलू को। अब ढक्कन को हम लगा देंगे। तो ये देखिए आलू मेरा एकदम पक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, तो चम्मच की मदद से इसे हम निकालेंगे। और ये इमली वाले पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह सारे आलू हम निकाल लेंगे। तो आइए हम बनाते हैं हींग वाली आलू की सब्जी। कढ़ाई मैंने रख दिया है, अब उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अब हम डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग। डालने के बाद इसे अच्छे से हम चला लेंगे, जीरा को थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक कुटा हुआ, हरा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। डालने के बाद ये सबको अच्छे से हम पका लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। और मसाले साथ हम हींग वाला पानी भी डाल देंगे। हम एक एक करके आलू इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद मसाले में हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उस पे सब डालेंगे कसूरी मेथी। आप इसके जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए हींग वाली सब्जी मेरी बनके तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हींग आलू की सब्जी मेरी बनके एकदम रेडी है। और इसे दाल चावल के साथ सर्व कर दीजिए, रोटी के साथ सर्व करिए, पराठा के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।